बारिश में भुट्टे पर नमक लगाकर खाना हो या एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए खाने में ऊपर से नमक डालकर खाना हो, सिचुएशन चाहे जो भी हो, नमक की जरूरत सभी को होती है। लेकिन यही नमक अगर जरा कम हो जाए तो स्वाद बिगाड़ देता है और थोड़ा ज्यादा हो जाए तो सेहत। और अगर आप खाने में ऊपर से नमक डालकर खाते हैं तो ये लेटेस्ट रिसर्च आपको जानना बेहद जरूरी है। यूरोपियन हार्ट जनरल की एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपने खाने में रेगुलर ऊपर से नमक मिलाते हैं उनमें समय से पहले मौत का खतरा आम लोगों के मुकाबले 28% ज्यादा होता है। ये रिसर्च 5,00,000 लोगों पर की गई है। इससे पहले की एक रिसर्च बताती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नमक भारतीय खाते हैं। तो आज बात नमक और इसके रिस्क की। नमक में सोडियम और पोटेशियम दोनों होते हैं। सोडियम इंसान के शरीर में पानी का सही लेवल बनाने से लेकर ऑक्सीजन और दूसरे पोषक तत्व सभी ऑर्गन तक पहुंचाने में मदद करता है। आपको हर दिन सिर्फ 5 ग्राम नमक खाना चाहिए, यानी कि आपके खाने में एक छोटा चम्मच नमक होना जरूरी है। इसके अलावा आपको रोजाना 2.3 ग्राम ही सोडियम लेना चाहिए, जो कि आपको 5 ग्राम नमक से मिल जाता है। कुल मिला के आपको दिन भर में 5 ग्राम नमक ही खाना चाहिए। ज्यादा नमक खाने से आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, लकवा जैसी बीमारी और हड्डियां कमजोर होना, बालों का झड़ना, किडनी में सूजन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। वहीं खाने के ऊपर से ज्यादा नमक डालकर खाना खतरनाक हो सकता है। इसकी वजह से हार्ट और किडनी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंच सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक पका हुआ नमक ऊपर से छिड़के हुए नमक से ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जब नमक खाने के साथ पक जाता है तो उसके आयरन का स्ट्रक्चर बदल जाता है और आपकी बॉडी इसे जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। कच्चा नमक जिसे आप ऊपर से डालकर या छिड़क कर खाते हैं उसका स्ट्रक्चर नहीं बदलता है, इसलिए बॉडी उसे बहुत धीरे से एब्जॉर्ब कर पाती है। इसकी वजह से कच्चा नमक हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। अब सवाल उठता है कि कैसे पता लगेगा कि हम ज्यादा नमक खा रहे हैं, तो इसे कुछ लक्षणों से समझ सकते हैं, जैसे कि पेट, चेहरे, हाथ, पैर और शरीर के बाकी अंगों में सूजन आ सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत के साथ साथ ज्यादा प्यास लग सकती है, वजन तेजी से बढ़ सकता है, फिजिकली आप कमजोर महसूस कर सकते हैं। वहीं कम नमक खाना भी खतरनाक हो सकता है, इसलिए रोजाना उतना ही नमक खाएं जितना कि आपके शरीर को जरूरत है। और भी ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर आपके साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।